पंचकोल चूर्ण। पंचकोल चूर्ण को क्या करना है कि आपको लगभग आप समझिए कि लगभग 5 ग्राम चूर्ण को आप 400 ml पानी में डाल लीजिए, उसको पकाइए। चब्बे, चित्रक, पिपल, पिपलामूल, सौंठ, ये 5 चीज़ों का पंचमूल होता है, उसको डाल दीजिए। पका करके जब वो रह जाए आधा से भी कम, 1/3, 1/4, उसको छान करके उसको आप पीजिए। पीने के बाद में आप दूध पीजिए, जिसको बिल्कुल भी एक टपा भी दूध हजम नहीं होता हो, आप पहले दिन आप आराम से 200-250 ml दूध पी सकते हैं, आपको कतई दस्त नहीं लगेगा। और धीरे धीरे आप दूध की आदत डालिए। और इससे सिर्फ दूध पीने हजम करने के लिए नहीं है, ये पूरे शरीर को डिटॉक्सिक करता है। सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की जितनी भी परेशानी है शरीर में, स्वेलिंग, ये सब भी खत्म करता है पंचकोल का चूर्ण। कफ और बलगम के लिए, एलर्जी के, जैसा अभी ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इस ऋतु परिवर्तन के लिए भी अद्भुत है।